सेटर्स डायरेक्टेड बाय अश्विनी चौधरी, स्टारिंग श्रेयस तलपड़े, अफ्ताब शिवदास, सनी पवन मल्होत्रा और विजय राज जी भी इसमें एक छोटे से रोल में है, जो इस फिल्म में किसी तपते रेगिस्तान में एक पानी के घूंट के जैसे है। अब आप समझ तो गए होंगे, ये फिर से वही एक बॉलीवुड की घिसी पिटी टिपिकल सी फ्लॉप फिल्म है। एग्जाम्स के समय जो पेपर्स या फिर डुप्लीकेट स्टूडेंट्स को सेट करने वाली टोली होती है, गैंग होती है, ऐसी ही एक टोली के ऊपर ये फिल्म आधारित है। वही व्हाई चिट इंडिया की तरह ही सेम सब्जेक्ट है वही। बस शायद इस फिल्म को ये सोचकर बनाया गया होगा, सेटर्स फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, शायद इस फिल्म को ये सोचकर बनाया होगा कि भाई हमें एक फ्लॉप फिल्म बनानी है, क्योंकि इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर, हर एक सीन हमसे चीख चीख कर कहता है कि भाई मैं फ्लॉप हूँ, मैं बहुत ही पकाऊ हूँ, मैं बहुत ही घिसा पिटा हूँ, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। यही हमें हर एक सीन देखते समय यही महसूस होता है। वैसे ये फिल्म अपने आप को पूरी फिल्म के दौरान बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीरियस दिखाने की कोशिश करती है। इसी वजह से इस फिल्म का हर एक कैरेक्टर बस मुंह फुलाकर बात करता है। डायलॉग चाहे कोई भी हो, उसका मुंह फुला हुआ होना चाहिए, गुस्से में होना चाहिए। यानी ये फिल्म इतनी ज़्यादा वो क्या कहते हैं, क्लीशे है, घिसीपिटी है, टिपिकल है, कि उन्होंने कुछ भी अलग सोचने की कोशिश नहीं की है। बस सब्जेक्ट थोड़ा सा हमें अलग लगता है, वो भी हम इसके पहले कई बार देख चुके हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स है, उनकी जो जिस प्रकार का उनका स्वभाव वगैरह जो भी होता है, वो हम हज़ारों बार कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों में देख चुके हैं। बस वही उठाकर उन्होंने यहाँ पर चिपका दिया है। इवन नाम तक उन्होंने कुछ अलग सोचे नहीं हैं। जैसे कि विलन का अगर आपको मैं उदाहरण दूँ, तो देखिए बॉलीवुड की फिल्मों में, टिपिकल बॉलीवुड की फिल्मों में विलन कैसा होता है, बहुत ही धार्मिक, पूजा पाठ करने वाला, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर विलन है। बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करता है, होमावन वगैरह करता है, हर हर महादेव के नारे लगाता है, और बहुत क्रूर है वो, बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। उसका नाम भी भैया जी नाम है। देखिए कितना क्रिएटिव नाम है ना, भैया जी उसका नाम है। पवन मल्होत्रा जी ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। अब देखिए भैया जी बहुत धार्मिक होते हैं और साथ में वो ये रैकेट भी चलाते हैं, पेपर्स और डुप्लीकेट स्टूडेंट्स सेट करने वाला, और इसके अलावा उन्हें आदमियों का भी शौक है। एक सीन में अंसारी नाम का एक पुलिस ऑफिसर, सॉरी ईमानदार पुलिस ऑफिसर, भैया जी से कहता है कि आदमियों का शौक आपको होगा, हम तो हैप्पीली मैरिड है। देखिए कितना क्रिएटिव डायलॉग है, आप देखिए कितना क्रिएटिव डायलॉग है। अब इसके बाद में ये क्रूर भैया जी क्या करते हैं वो सुनिए। अब उनके साथ में एक लड़का रहता है हमेशा, जो भैया जी को बहुत ही प्यार से उनके मुंह में पान डालकर खिलाता रहता है हर समय। अब भैया जी उसकी उंगली काट देते हैं, बताओ कितने क्रूर है भैया जी। अब भैया जी के कैरेक्टर को इतना क्रूर दिखाने के लिए फिल्म में काफ़ी स्क्रीन टाइम उनको दिया गया है, लेकिन एंडिंग में उनके साथ क्या होता है पता ही नहीं। अब भैया जी का एक साइड किक भी है, चेला, जो कि होना ही चाहिए, उसका नाम है केसरिया। देखो कितना क्रिएटिव नाम है, आप देखिए केसरिया। अब एक सीन में भैया जी केसरिया से कहते हैं कि भाई कौन सा पुलिस वाला टूटेगा, तो केसरिया कहता है मुसलमान टूटेगा। देखिए रिलीजियस एंगल बॉलीवुड की फिल्म्स में डालना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर बॉलीवुड की फिल्म कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अब वही अंसारी जी के बारे में केसरिया बात कर रहा होता है कि वो टूटेगा ऐसा वो कहता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है अंसारी जी तो बहुत ईमानदार है, वो तो टूटने वाले है नहीं। देखिए बॉलीवुड का क्या है ना, वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे वो ये पेपर सेट करने वालों के ऊपर कोई फिल्म बनाए, चाहे कोई फिक्शनल फिल्म बनाए, चाहे कोई रोमांटिक फिल्म बनाए, चाहे कोई एक्शन फिल्म बनाए, चाहे कोई थ्रिलर बनाए, चाहे वो स्पेस फिल्म ही क्यों ना बना ले, उनको कैरेक्टर्स तो यही दिखाने हैं, बैकग्राउंड में इनका यही चलता रहेगा। बस आगे सब्जेक्ट कुछ अलग दिखा देंगे। मान लो वो स्पेस फिल्म भी अगर बनाएंगे ना कभी बॉलीवुड वाले, अभी तक तो बनाई नहीं है, मान लो कभी वो स्पेस फिल्म बनाते भी है तो वहाँ पर भी वो यही दिखाएंगे, वहाँ पर भी कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति हर हर महादेव बोलकर अलग अलग प्लैनेट्स को ऐसे उड़ाएगा, हर हर महादेव बुम, हर हर महादेव बुम, और वो अलग अलग प्लैनेट्स उड़ाते जा रहा है। सब्जेक्ट कोई भी हो, बॉलीवुड को दिखाना तो यही है यार। कुछ तो क्रिएटिव सोच लो, कुछ तो अलग सोच लो यार, बहुत हो गया, दशकों से यही देखते आ रहे हैं यार, बस पक गए हैं ये देख देख कर। अगर हम बात करें आफ्ताब शिवदासानी और श्रेयस तलपड़े जी के कैरेक्टर की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा पूरी फिल्म में वो ऐसे मुंह फुलाकर बात करते हैं गुस्से में, क्योंकि अपने आप को उन्हें बहुत स्ट्रिक्ट और सीरियस दिखाना है। पर सच कहता हूँ, चाहे वो अपने आप को कितना भी सीरियस दिखाने की कोशिश कर रहे थे फिल्म में, लेकिन मुझे उनकी तरफ देखकर बस हंसी आ रही थी, क्योंकि यार ऐसे कैरेक्टर्स उन पर सूट ही नहीं होते, वो कॉमेडी में ही अच्छे लगते हैं। ऊपर से भैया जी और श्रेयस तलपड़े का जो कैरेक्टर है अपूर्वा नाम का, उनके बीच का जो रिलेशन रिश्ता दिखाया है वो भी कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो वो बहुत भैया जी अपूर्वा को पसंद करते थे, एक सीन में वो केसरिया को बहुत डांट लगाते हैं और अपूर्वा की बहुत स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। थोड़ी ही समय के बाद में, कुछ ही देर के बाद में वो केसरिया को सारी जिम्मेदारी सौंप देते हैं और अपूर्वा से दुश्मनी मोड़ ले लेते हैं। यानी भाई क्यों,
किस लिए, कुछ भी दिखाओगे? चलिए छोड़िए यार, मतलब मैं भी किस फिल्म को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये फिल्म इतना डिजर्व भी नहीं करती आपका और मेरा समय। इस फिल्म को एक्सप्लेन करना मतलब अपनी ही बुद्धि का मजाक उड़ाना है। फिल्म में कुछ दो चार कूल गैजेट्स दिखा देने से, मतलब ऐसे चश्मा पहन लिया और ऐसे यहाँ पर ऐसे दबा दिया और स्कैन हो गया एग्जाम पेपर, ऐसे दो चार कूल गैजेट्स दिखाने से कोई फिल्म अच्छी नहीं हो जाती है। बस मैं इससे ज़्यादा इस फिल्म को कोई समय नहीं देना चाहता हूँ और ना ही आपका समय मैं ख़राब करना चाहता हूँ। मैं सेटर्स को दूंगा 3 आउट ऑफ 10 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी तो आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।